छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है। जबलपुर नर्सिंग कॉलेज मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और कॉलेजों की मान्यता के फर्जीवाड़े पर यह सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार का पक्ष, दोनों के पक्ष को सुना है। कॉलेजों की जाँच न करवाने की मांग उठी है। हाई कोर्ट ने कॉलेजों को जाँचों को जरूरी बताया है। कहा है कि सीबीआई जाँच के डर से तो कॉलेज नहीं बंद हो रहे हैं। साल 2020 के बाद सभी जो कॉलेज खुले थे, नर्सिंग कॉलेज, इसकी जांच होना बहुत जरूरी, हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश का इंतजार शाम तक, हाई कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार हो रहा है। शाम तक हाई कोर्ट इस मामले में विस्तृत आदेश जारी कर सकती है। बड़ी खबर, अहम खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो नर्सिंग घोटाले के पूरे मामले को लेकर, नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर और उनकी जांच को लेकर आज मामला उठा। कॉलेजों की जांच न करवाने की मांग उठाई। हाई कोर्ट ने कॉलेजों की जांच को जरूरी बताया है। खासतौर पर 2020 के बाद से जो कॉलेज खुले हैं उनकी जांच को जरूरी हाई कोर्ट ने बताया है और इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता और सरकार दोनों का पक्ष सुना है। कॉलेजों की जाँच न करवाने की मांग भी इस दौरान उठी। हाईकोर्ट ने कॉलेजों की जांच को जरूरी बताया है। अभी विस्तृत आदेश आया नहीं है। विस्तृत आदेश आएगा शाम तक, तब पता चलेगा कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, लेकिन दोनों पक्षों को कोर्ट ने इस मामले में सुना है। और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने मांग कर डाली है, 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। बेमित्रा हादसे के पीड़ितों के लिए ये मांग उनके द्वारा की गई है कि इन लोगों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। प्रशासन से नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछे हैं कि हादसे के 6 दिन के बाद भी दोषियों पर इस मामले में FIR आखिरकार दर्ज क्यों नहीं की गई है और 1 करोड़ रुपए मुआवजा जो इसके पीड़ित हैं उनको दिया जाए, ये मांग की गई है।